हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एफएमसीजी के डिस्ट्रीब्यूशन के और होलसेलिंग के डेमो को। तो बने रहे हमारे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होम पेज के। होम पेज में जो है आपको राइट हैंड साइड में जो है एक शॉर्ट डैशबोर्ड दिख जाता है, यानी कि जो भी आप डेली वर्किंग करते हैं, यानी कि कितनी सेल्स आपने, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सेल्स बिल कितने जनरेट कर दिए आपने, परचेज कितने एंटर कर दिए आपने और कौन सी पार्टी आपकी हाईएस्ट सेल पे है, लोएस्ट सेल पे है, तो एक शॉर्ट रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है राइट हैंड साइड में। उसके बाद आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं और ये बटन्स जो है फुल्ली कस्टमाइजेबल हैं, मतलब कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो है बटन्स दिए हुए हैं। मान लीजिए कि आपको जो है ज्यादा रिपोर्ट्स देखनी होती है तो आपको रिपोर्ट्स में जाके, सेल्स में जाके फिर क्लिक करना होता है रिपोर्ट्स के लिए। तो इतना जो है प्रोसेस आप ना करके डायरेक्टली यहाँ पे एक शॉर्टकट बटन लगा सकते हैं ताकि आप एक क्लिक पे अपनी वो रिपोर्ट, अपनी वो एंट्री को कर सकें। तो ये जो है बटन भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो यानी कि जो भी आप एंट्रीज कर रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं, उसकी हिस्ट्रीज जो है यहाँ पे क्रिएटेड होती रहती है जो भी आप रिसेंटली काम कर रहे हैं। उसके बाद आप एकदम सेंटर पॉइंट में देखेंगे तो आपको मार्क का कोई भी अपडेट होगा या कोई भी नई चीज अगर आने वाली है या आ चुकी है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ऊपर कुछ आपको बटन्स दिख रहे हैं, यानी कि कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आस्क मी पे आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं, मार्क केयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी सपोर्ट आपको लेना है टिकट जनरेट कर सकते हैं सपोर्ट का, ताकि मार्क की कंपनी की तरफ से आपको कॉल बैक आए और आप उस चीज का सोल्यूशन ले सके। रिमोट सपोर्ट यानी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आपको अपना डेस्कटॉप जो है शेयर करना होता है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने डेस्कटॉप को शेयर कर सकते हैं। और ज्वाइन वेबिनार में मार्क कंपनी हर महीने अपना शेड्यूल रखती है कि कौन से दिन पे कौन सा टॉपिक और कौन सी चीजों को जो है बताने जा रहे हैं और कौन से पर्सन उसको होस्ट करने जा रहे हैं, यानी कि लर्निंग। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन से दिन कौन सा टॉपिक है, पूरे महीने का जो है टॉपिक डिसाइड हो जाता है ताकि आप देख सकें और अपने टाइम को निकालकर और भी ज्यादा से ज्यादा सीख सकें मार्क ईआरपी के सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट है डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड से कम्प्लीटली आप अपने बिजनेस को देख सकते हैं कि आपका बिजनेस कहाँ स्टेबल कर रहा है, मींस कि इसमें आपको कुछ इस तरीके की चीज देखने को मिलेगी कि कौन सा आइटम आपका अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छी सेल हो रही है और कौन से ऐसे आइटम है जिनकी सेल नहीं हो रही है, और इसी तरीके से कौन सी अच्छी पार्टी है जो आपको ट्रांजेक्शन्स अच्छा दे रही है और ऐसी कौन सी पार्टी है जो आपके साथ जुड़ी तो हुई है पर कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं दे रही, कौन से एरिया में आप अच्छी सेल कर पा रहे हैं, कौन सा सेल्समैन आपको जो है ज्यादा सेल्स दे रहा है। तो इस तरीके के जो है सारे के सारे रिपोर्ट्स आपको डैशबोर्ड में दिख जाते हैं ताकि आप उन रिपोर्ट को देखकर अपने बिजनेस में काम कर सकें और पहचान सकें कि आपको काम करने की जरूरत कहाँ पे है। मीन्स कि अगर आपका कोई आइटम मान लीजिए अच्छा वर्क नहीं कर रहा तो आप ये कोशिश करेंगे कि उस आइटम को आप जल्द से जल्द बेचकर अब कोई भी आइटम उस तरीके का अपने स्टोर में ना रखें। और इसी तरीके से जो है आप डैशबोर्ड को देखकर बिजनेस को अच्छी तरीके से जो है चला सकते हैं और बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा सेल भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद है सर्च मेनू, यानी कि कोई भी आप कोई ऐसी एंट्री ढूंढ रहे हो या कोई रिपोर्ट ढूंढ रहे हो जो आपको ना मिल रही हो तो आप इस पे क्लिक करके वो टाइप करेंगे और ऑटोमेटिक वो कहीं पर भी होगी तो वो आपको वहां पे दिखेगी। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। मैंने जैसे कि सर्च मेनू पे क्लिक किया और सपोज कि मुझे सेल की जो है एंट्री करनी है तो मैंने यहाँ सेल टाइप किया, तो देखिए सेल जो है ये मास्टर में है, यानी कि जो टैक्स सेशन से रिलेटेड जो अकाउंट्स क्रिएट करने के आ रहे हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन्स में आ रहे हैं। अब जैसे ये ट्रांजेक्शन में सेल होलसेल, अब मैंने इस पर क्लिक किया और सिलेक्ट किया तो वो एंट्री खुल जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी आपको रिपोर्ट ढूंढनी है या कोई भी आपको एंट्री ढूंढनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ऑर्डर सीआरएम से, यानी कि जो भी आपके रिटेलर्स वगैरह जुड़े हुए हैं तो उनको आप कॉलिंग करके उनका ऑर्डर ले सकते हैं और फॉलोअप में रख सकते हैं कब पार्टी ने क्या कहा है, क्या स्टेटमेंट है, ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। और ई रिटेल के जरिए जो यानी कि हमारी ई रिटेल ऐप है उसमें जो भी ऑर्डर्स आते हैं उसका मैनेजमेंट आप यहां से कर सकते हैं। और एनालिसिस में आप अपने बिजनेस को देख सकते हैं और अपने हिसाब से जो आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो रिपोर्ट आप देख सकते हैं। जैसे कि सपोज कि आपको कंपनी देखना है, उसके बाद आइटम देखना है और उसके बाद डेट डाल के आपको रिपोर्ट देखनी है, तो इस तरीके से जो है अपने आइटम्स की रिपोर्ट आप देख सकते हैं।
मीन्स कि अगर कोई रिपोर्ट आपको नहीं मिल रही है और काफी आप परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा बिजनेस एनालिसिस पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसके बाद है गूगल मैप। गूगल मैप का बहुत अच्छा फीचर इसमें दिया हुआ है और इसको बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज कि आप किसी एरिया में सेल करते हैं या जो भी जिस सिटी में भी आप सेल करते हैं, पर्टिकुलर आपके एरियाज होते हैं, तो जिस एरिया में भी आप जो भी आप यहाँ पे ट्रांजेक्शंस करेंगे, यानी कि जब आप पार्टी क्रिएट करेंगे तो उनका एड्रेस डालेंगे, आप उनका पिन कोड डालेंगे और उनको जो भी आप ट्रांजेक्शंस करेंगे, तो आप मैप के जरिए देख सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में जो है आप सेल कर पा रहे हैं और कौन कौन से एरिया हैं ऐसे जहां पे आप सेल नहीं कर पा रहे। अब इसका बेनिफिट आप कुछ इस तरीके से उठा सकते हैं। मान लीजिए आपको जो है कुछ मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड, तो आप जो है जहां पे आप जिस एरिया में आपकी अच्छी सेल आ रही है वहां आप लाइट मार्केटिंग करेंगे, मतलब कि मार्केटिंग करेंगे पर वहां का बजट आप कम रखेंगे। अब जिस एरिया से आपको बिल्कुल भी सेल नहीं आ रही या एक दो ट्रांजेक्शन ही आती है, वहां पे आप हार्ड मार्केटिंग करेंगे, वहां पे आप अपने बजट को जो है बढ़ाएंगे ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा सेल जनरेट हो। तो इस चीज का जो है बेनिफिट आप इस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद है लाइव क्रेडिट लिमिट। अब क्रेडिट लिमिट को भी आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि जिस रिटेलर को भी आप सेल करते हैं वो क्रेडिट पे लेते हैं माल आपका, और फिर आप मतलब क्लियर नहीं हो पाता कि किसको हमने कितना उधार दे दिया है। अगर हो पाता भी है तो हम लेजर बैलेंस से चेक कर पाते हैं। अगर आप ये बाउंडेशन चाहते हैं कि जिस रिटेलर को भी आप सेल आउट कर रहे हैं उनके लिए क्रेडिट लिमिट डिफाइन कर दे कि मैं इसको 20,000 रुपए से ज्यादा का उधार नहीं दूंगा, तो ये चीज जो है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ताकि ये सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर दे और अलर्ट कर दे कि इस पार्टी का जो है बैलेंस अभी तक नहीं आया और पहले आपको रिकवरी की जरूरत है, उसके बाद आपको इसको बिल जनरेट करे। तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं लाइव क्रेडिट लिमिट को। ऑडिट ट्रायल कर सकते हैं और क्लाउड बैकअप ले सकते हैं, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं इसमें, अब आपका जो भी लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कभी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए या कभी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो क्या है कि आप अपना बैकअप क्लाउड पे ले सकते हैं ताकि किस कभी भी कोई दिक्कत आती है आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में, आप कभी भी किसी दूसरे सिस्टम में शिफ्ट करके और अपना काम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहां से आपने अपने काम का लास्ट ट्रांजेक्शन किया है। तो चलिए अब हम जानते हैं सबसे मेन फीचर जो आपके पूरे FMCG में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम मास्टर पे चलते हैं और मास्टर पे चलने के बाद रेट मास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपके FMCG के लिए। अब प्राइस लिस्ट, मान लीजिए कुछ आपके ऐसे आइटम्स हैं जिनका डेली प्राइस अपडेट होता है तो आप उसको जो है यहीं से अपडेट कर सकते हैं। एरिया वाइज प्राइस अपडेट होता है तो एरिया वाइज अपडेट कर सकते हैं, और अगर आपने कोई एक्सेल मेंटेन कर रखा है प्राइस का तो उस प्राइस के एक्सेल को भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी स्पेशल, आप कंपनी वाइज जो है डिस्काउंट को सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं, जॉनसन को सेल करते हैं या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो कंपनी के प्रोडक्ट जो है बहुत सारे होते हैं, तो आप अगर कंपनी पे ही डिस्काउंट अगर मेंशन कर देंगे कि मैं कंपनी वाइज डिस्काउंट देना चाहता हूं पार्टियों को, अगर वही मेंशन कर देंगे तो सभी पे अप्लीकेबल हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी किसी पार्टी को कंपनी वाइज डिस्काउंट देना होता है और किसी किसी पार्टी को नहीं देना होता, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं कि कंपनी वाइज जो डिस्काउंट आप देना चाहते हैं वो कौन कौन सी पार्टी को देना चाहते हैं, तो आप कंपनी वाइज जो है पूरा डिस्काउंट मैनेज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसमें। उसके बाद है पार्टी प्राइस लिस्ट, यानी कि आपको यहाँ पे अपना लेजर सिलेक्ट करना है, यानी कि पार्टी सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद उसको कौन कौन से आइटम का क्या क्या रेट देना है ये आप पहले से ही फीड कर सकते हैं। उसके बाद है आइटम पार्टी स्पेशल रेट, यानी कि जब आप सेल करते हैं वहां पे जो मैनुअल रेट आप डाल देते हैं कि मैं इस पार्टी को इतना ही रेट देता हूं, तो वो भी रेट आपका यहां पे जो है हिस्ट्री में क्रिएट हो जाता है। यानी कि किसी भी पार्टी को कोई भी आप रेट देते हैं और नेक्स्ट टाइम कभी भी उसकी आप बिलिंग करेंगे उसी आइटम की, तो वो आपको बता देगा कि लास्ट रेट आपने क्या दिया हुआ है, और उसकी जो है 5 ट्रांजेक्शंस आपको बॉटम साइड में यानी कि नीचे की साइड में दिखाई भी देगी कि 5 जो उसके बिल गए हैं इस आइटम के उसमें क्या क्या रेट गया है। उसके बाद है मैक्सिमम क्वांटिटी अलाउड इन बिल, जैसे कि कंपनी का कुछ क्राइटेरिया होता है कि आप किसी एक पर्सन को मैक्सिमम क्वांटिटी सिर्फ इतना ही सेल कर सकते हैं, तो आप जो है इसको भी मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद है बिल डेट एंड अदर, यानी कि अगर आप अपने कंपनी में कुछ इस तरीके का डिस्काउंट चलाते हैं कि वो डेट वाइज डिस्काउंट चलता है या डेट वाइज स्कीम चलती है, तो आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आपके पास कोई स्कीम है कि 12 क्वांटिटी खरीदने पे 2 क्वांटिटी फ्री मिलेगी, तो इस तरीके से जो है आप डेट डिफाइन कर सकते हैं, तो वो ऑफर और वो जो भी स्कीम है, डिस्काउंट है या रेट है,
वो उसी डेट तक ही चलेगी जब तक आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद है सेल बूस्टर। सेल बूस्टर से क्या है कि फोकस आइटम आप कर सकते हैं, पुश सेल आइटम्स को लगा सकते हैं, सजेस्टेड आइटम आप कर सकते हैं, या कोई नया आइटम लॉन्च हुआ है जब आप सेल करें तो वो भी आपको सजेस्ट करे। तो इस तरीके से जो है आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद है क्रेडिट लिमिट मैनेजमेंट। जैसा कि अभी हमने बाहर बात किया कि क्रेडिट लिमिट को आप अपने तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं कि किस रिटेलर को मुझे कितनी लिमिट जो है रखनी है, अगर वो पेमेंट नहीं कराता तो मुझे उसे इंडिकेट कराना है या उसकी बिलिंग को स्टॉप करना है। तो इस तरीके से इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है पॉइंट सिस्टम। पॉइंट सिस्टम कम्प्लीटली जो है कस्टमाइजेबल है, फुल्ली डायनेमिक। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको स्कीम रखनी है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने अपनी पार्टी को अपडेट किया कि अगर आप 10,000 रुपए की बिलिंग कराते हैं किसी भी आइटम की तो हम आपको 10 पॉइंट देंगे, और वो 10 पॉइंट जो होंगे आपके पर पॉइंट का जो रेट है वो 10 रुपए है, यानी कि आपके 100 रुपए जनरेट हो जाएंगे, और उस 100 रुपए से आप जो है और भी सामान हमसे खरीद सकते हैं, नेक्स्ट बिलिंग में उसको आप रिडीम कर सकते हैं। तो फुल्ली कस्टमाइजेबल है, जितने रुपए में या जितनी स्कीम में जो भी आपको रखना है पॉइंट सिस्टम आप कर सकते हैं। मैं आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूं। ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कितने पॉइंट पे, कितनी वैल्यू पे कितने पॉइंट मिले, तो ये सारी चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है माय ऑन सेल्स स्कीम। आप अपने अकॉर्डिंग सेल्स स्कीम को जो है लगा सकते हैं। सेल स्कीम ऑन परचेज डिस्काउंट परसेंट, वो भी आप बता सकते हैं, जो हम परचेज करते हैं उस पे आपको क्या स्कीम वगैरह मिलती है। और बंडल सेट कर सकते हैं, अगर आपके बिजनेस में कुछ ऐसा है कि कोई भी फर्स्ट टाइम आपसे सामान लेता है, या फिर रेगुलरली आपने कोई एक बंडल सा बना रखा है कि कोई भी हमसे अगर परचेज करता है तो 2 आइटम हम कुरकुरे के देंगे, 2 आइटम हम नमकीन के देंगे, तो इस तरीके से आप बंडल्स भी बना सकते हैं। और मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट अगर आपके पास है तो वो भी आप एड ऑन कर सकते हैं। अब ये जितने भी फीचर जो मैंने आपको बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और आपके होलसेलिंग के लिए, क्योंकि जब पार्टी बढ़ती है तो हमें ध्यान नहीं होता कि हमने किसको क्या रेट दिया है, या फिर हमने किसको क्या स्कीम बताई है, या फिर हमने किसको क्या डिस्काउंट दिया है। अब ये जो जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, ये फीचर्स आपको क्या करेंगे, आपके हर एक चीज को जो है हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे, हर एक चीज को मैनेज करेंगे, चाहे आपका पर्सन बिलिंग कर रहा हो, चाहे आप बिलिंग कर रहे हो, टोटली सारी चीजों को मैनेज कर देगा और फुल्ली ऑटोमेटिक कर देगा। मतलब आपको ध्यान नहीं रखना कि शर्मा जी को हमने क्या रेट दिया था, आपको डायरेक्टली बस उसका बिल क्रिएट करना है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको बताता जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं कि कैसे हमें इसमें आइटम क्रिएट करने होते हैं, कैसे हमें पार्टी क्रिएट करनी है, कैसे हम बिल करेंगे इसमें, कैसे हम अपनी परचेजिंग चढ़ाएंगे, और उसके बाद हम कैसे अपनी रिपोर्टिंग देखेंगे। तो देखिए सारी चीजें इजी है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जो है आइटम को क्रिएट कर लेते हैं। आइटम को क्रिएट करने के लिए आपको मास्टर में जाके आइटम मास्टर पे क्लिक करना होगा, और इसकी शॉर्ट कमांड भी है कंट्रोल आई से आप आ सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी आपको नया क्रिएट करना हो आप F2 से क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको मॉडिफाई करना है F3 से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट के बटन से आप डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे आइटम क्रिएट करना है तो मैंने F2 प्रेस किया और यहाँ पे मैं आइटम का नेम डिफाइन कर दूंगा। उसके बाद आप रैक भी मेंटेन कर सकते हैं, जैसे जो भी होलसेलिंग करते हैं, जो भी उनका गोडाउन होता है तो बड़े बड़े रैक्स होते हैं, आप उनको भी मैनेज कर सकते हैं। जब आप बिलिंग करेंगे तो वहीं पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका ये प्रोडक्ट रैक नंबर किस में रखा है, ताकि आपका जो पर्सन है या आप है डायरेक्टली उस रैक में ही जाए और उस प्रोडक्ट को निकाल कर लाए। तो इससे क्या है कि आपका टाइम बहुत बचेगा। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे कंपनी बता सकते हैं, और यदि कोई भी कंपनी आपको क्रिएट करनी है तो आप F2 करके क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कंट्रोल W से सेव करें। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हल्दीराम हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद इसी तरीके से आप HSN को भी डिफाइन कर देंगे, और जो भी MRP है प्रोडक्ट की आप MRP डाल देंगे, और जो भी आपकी खरीद रेट है खरीद रेट डालेंगे आप अपने यहाँ पे, और ये आपका रेट A, रेट B, रेट C, ये आपका सेल रेट है, तो आप यहाँ पे सेल रेट भी डाल सकते हैं डिफॉल्ट। नहीं तो जब आप पार्टी को जो सेल करेंगे वहां पे जो रेट डालेंगे वो पार्टी की हिस्ट्री में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम कभी भी उस पार्टी को आप सेल करेंगे तो वही रेट उसको शो होगा। और उसके बाद आप नीचे की साइड में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे डिस्काउंट से रिलेटेड फीचर्स हैं, बहुत सारे इन्वेंटरी को मैनेज करने से रिलेटेड फीचर्स हैं, तो इन फीचर को भी आप जो है यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इन फीचर्स को अभी इस वीडियो में बताऊंगा तो कम से कम मेरी ये वीडियो 2-3 घंटे तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए जो है मैंने इन सब की वीडियो जो है पहले से क्रिएट कर रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके इन सब की वीडियोस को देख सकते हैं कि क्या इनके मतलब है, क्या फीचर्स है, कैसे हम यूज करेंगे। तो हमने आइटम क्रिएट कर लिया, सेव करने के लिए कंट्रोल W से आप इसको सेव कर देंगे। तो हमारा आइटम जो है क्रिएट हो चुका है, हल्दीराम नमकीन।
अब इसी तरीके से जो है हम एक पार्टी भी क्रिएट कर लेते हैं, तो इसके लिए भी हमें लेजर मास्टर में जाके और न्यू पे क्लिक कर देना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट ग्रुप चूज करना होगा। अब यदि आप परचेज की पार्टी बना रहे हैं तो संडी क्रेडिटर सप्लायर्स में आप बनाएंगे, और यदि आप सेल की पार्टी बना रहे हैं तो संडी डेटर्स में बनाएंगे। सपोज कि मैं एक परचेज की पार्टी क्रिएट कर लेता हूं और एक सेल की पार्टी क्रिएट कर लेता हूं। अब जैसे ही ये फॉर्म ओपन होगा तो आपको यहाँ पे लेजर नेम में कंपनी का नाम डालना है, यानी कि जिनको भी जिनसे भी आप परचेज कर रहे हैं जो भी उनका फॉर्म नेम है वो फॉर्म नेम आप डालेंगे, और उसके बाद जो भी उनका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, इन सभी को जो है आप यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे। मैंने अभी डाला नहीं है, बाकी जब आप अपनी एंट्रीज को करें तो कंप्लीट डिटेल को आप डालें, और उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करें और इसको एस्केप करें और इसको भी एक बार एस्केप करें। परचेज की पार्टी कम्प्लीटली बन चुकी है आपकी। ऐसे ही सेल की पार्टी क्रिएट करने के लिए आपको संडी डेटर पर एंटर करना है, और सेम इसमें भी जो है आपको पार्टी क्रिएट करने के लिए वही डिटेल मेंशन करनी है जैसा कि हमने परचेज में मेंशन करी, और उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू से आप इसको सेव कर दें और इसको स्केप करें और इसको भी स्केप करें। तो दो तरह की हमारी पार्टी क्रिएट होगी। ऐसे ही जितनी भी आपकी पार्टीज हैं आप उसको इसमें क्रिएट कर लेंगे। तो आपने देखा हमने जो है आइटम भी क्रिएट कर लिया, अपने हमने पार्टी भी क्रिएट कर ली। अब हम जो है परचेज की एक एंट्री करते हैं, उसके बाद सेल की एंट्री करेंगे। अब परचेज की एंट्री करने के लिए आप ट्रांजेक्शन में जाएंगे। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद आपको परचेज और परचेज में होलसेल बिल पे क्लिक करना है। अब मैं क्लिक करने से पहले आपको बता दूं कि आप इसको कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अल्ट पी प्रेस करेंगे तब भी आप अपनी परचेज एंट्री पे पहुंच जाएंगे। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, अब सबसे पहले यहां पे आपको डेट मेंशन करनी है, यानी कि जो भी परचेज बिल आपके पास आया उसकी उसमें जो इनवॉइस डेट है वो क्या है आप यहां पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे और यहां पे आप इसको इस ऑप्शन को यस करें, और फिर उसके बाद जो है आपका लेजर विंडो ओपन होता है, और इस लेजर विंडो में आप ये बता सकते हैं कि किस पार्टी से आपने परचेज किया है। जैसे कि हमने बनाया हुआ था शर्मा एंटरप्राइजेस, अब आप इस पे एंटर करें, और उसके बाद पार्टी नंबर में आप डालें इनवॉइस नंबर, यानी कि शर्मा जी ने जो भी आपको इनवॉइस नंबर दिया है वो इनवॉइस नंबर आप यहां पे डालें। उसके बाद एंटर करें एंटर, और उसके बाद जैसे कि ये ऑप्शन पूछ रहा है टैक्स से रिलेटेड, मैंने इनका जो है जीएसटी नंबर डाला नहीं है, इसलिए ये मेरे से ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या आपने इस बिल में जीएसटी दिया है या नहीं दिया है, तो मैंने इसको यस कर दिया। अगर आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो ये ऑप्शन भी आपसे नहीं पूछेगा। और उसके बाद यहाँ पे आप एंटर करें, आपकी आइटम लिस्ट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे जिस आइटम को भी आपने परचेज किया उस पर एंटर करें, एमआरपी डालें, और एमआरपी डालने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन करें कि कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी, क्या रेट आपको मिला, और उसके बाद फिर आपके पास ये कुछ एमआरपी डिटेल्स ओपन हो जाएगी, यानी कि जीएसटी क्या है इस पे और सेल रेट क्या रखना है आपको, और इसी तरीके से फिर सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम आप ऐसे एड ऑन कर देंगे, और फिर बिल को सेव करने के लिए आपको कंट्रोल डब्ल्यू करना होगा, और फिर उसके बाद एंटर एंटर कंटिन्यू करें और बिल आपका सेव हो जाएगा। ये बिल कंप्लीटली सेव हो गया। अब हम चेक करना चाहें स्टॉक को तो हम स्टॉक के मेनू में जाएंगे, करंट स्टॉक पे हमने क्लिक किया, तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे हल्दीराम की जो नमकीन है वो 200 पीस हमने परचेज की थी और 200 पीस हमारे पास अवेलेबल है स्टॉक के अंदर। अब हम जो है सेल की ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन में जाएं, और ट्रांजेक्शन में जाने के बाद सेल। अब सेल में आप रिटेल बिल करना चाहते हैं, होलसेल बिल करना चाहते हैं, दोनों पॉसिबल है। तो जैसे कि मैं अभी होलसेल बिल करना चाहता हूं तो मैंने होलसेल बिल पे क्लिक किया और यहां पे एंटर किया, और मैंने जो होलसेल के लिए पार्टी जो बनाया हुआ है वो है एसबी ट्रेडर्स, मैंने सेलेक्ट किया, और उसके बाद एमआर यानी कि सेल्समैन। अगर आप सेल्समैन को भी मेंटेन करना चाहें तो सेल्समैन को भी यहां पे स्पेस के बटन से क्लिक करके, और कोई भी नया सेल्समैन आपको ऐड करना है F2 से आप ऐड कर सकते हैं। सपोज कि मैंने राम को ऐड कर दिया, उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू जब आप करेंगे तो यहां पे ये डिफाइन आप पहले से भी कर सकते हैं कि अगर राम किसी भी रिटेलर्स के पास हमारी सेल करता है तो उसमें कितना कमीशन मिलेगा उसको, स्टॉकिस्ट के पास करता है तो उसमें कितना कमीशन मिलेगा, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास करेगा तो उसमें कितना कमीशन मिलेगा, तो ये चीजें जो है आप पहले से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसको स्केप करें, अब आप देख रहे होंगे कि आपका जो सेल्समैन है यानी कि एमआर ये भी आपका क्रिएट हो चुका है। अब एंटर किया, इस पे मोबाइल नंबर डालना इसमें मैंडेटरी है तो मोबाइल नंबर जरूर डालें आप, एंटर। उसके बाद फिर आपको यहां पे एंटर करना है, आइटम लिस्ट ओपन हो जाएगी, और फिर यहां पर क्या क्या आइटम आपको सेल करना है। सपोज कि मुझे हल्दीरामी सेल करना है 100 पीस और 9 रुपए के हिसाब से मुझे बेचना है। अगर मैं यहां रेट चेंज करना चाहूं तो मैनुअली मैं रेट भी चेंज कर सकता हूं कि 8 रुपए 50 पैसे, और फिर उसके बाद आपको पार्टी स्पेशल करना है। अगर आप पार्टी स्पेशल करते हैं तभी वो
ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा था कि जब आप इसको नेक्स्ट टाइम सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हल्दीराम नमकीन जो हमने इसको आइटम दिया है 8 रुपए 50 पैसे का, ऑटोमेटिक ये 8 रुपए 50 पैसे लोड हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैं इसको पार्टिसिपेशन करता हूं और बिल को मैं सेव कर देता हूं, इसमें जो है हमने 100 पीस बेचा है और ये आपका इनवॉइस निकल जाएगा। हर तरीके का जो है फॉर्मेट अवेलेबल है मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर। अब मैं इसको स्केप करता हूं। अब देखिए मैं दोबारा से जो है एसबी ट्रेडर को सेल करता हूं सेम वही आइटम, तो देखिए आप जो ये रेट देख पा रहे होंगे 8 रुपए 50 पैसे, और यहां पे लास्ट आपको 5 से 6 ट्रांजेक्शन्स भी दिखती है कि कब कब कितने कितने का रेट इनको गया है। अब यही जो है मैं किसी और को अगर सेल करूंगा, सपोज कि मैं कुमार जनरल स्टोर को मैं सेल करता हूं सेम आइटम, तो देखिए इनके लिए अभी सिर्फ 9 रुपए रेट है। और ये 9 रुपए रेट क्यों है, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट 9 का रेट रखा हुआ है सेल का। अब इनको भी जब आप सेल करेंगे रेट को अगर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे और पार्टी स्पेशल कर दोगे तो इनके लिए भी वही रेट फिक्स हो जाएगा लास्ट। अब हम जो है रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। अब कोई भी आपको रिपोर्ट्स देखनी है तो रिपोर्ट्स में जाके आप सेल्स की रिपोर्ट, परचेज की रिपोर्ट, जैसे कि हम सेल बुक देख लेते हैं कि कितने तारीख से लेकर आप कितने तारीख तक की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, यस नो पर्टिकुलर पार्टी की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, सारी चीजें इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब जैसे कि अभी हमने दो टोटल हमारी जो है 2 सेल है, टोटल सेल हमारी 1,082 रुपए की है, टैक्सेबल वैल्यू जिसमें है वो 1,030 रुपए है, टोटल टैक्स जो इसमें है 51 रुपए 50 पैसे का है। और इसको आप पीडीएफ में निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको सेल की रिपोर्ट दिखाई इस तरह से आप परचेज की रिपोर्ट भी मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंटरी की रिपोर्ट देख सकते हैं, तो बहुत सारी जो है आप यहाँ पे रिपोर्टें देख सकते हैं, स्टॉक्स की रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट के ऊपर पर्टिकुलर सारी वीडियोस मेरी अवेलेबल है, इनकी वीडियोस भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप रिपोर्ट अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिटेल में देख सकते हैं। और अब बात करते हैं अकाउंट मैनेज की, यानी कि जिनको भी अभी हमने सेल किया, अब हम चलते हैं बॉक्स में ऑल लेजर, अब हम चलते हैं शर्मा एंटरप्राइजेस के लेजर में। तो देखिए शर्मा एंटरप्राइजेस को 1260 रुपए बैलेंस जो है शो कर रहा है क्रेडिट में, यानी कि हमें जो है 1260 रुपए पे करना है। और अब हम देख लेते हैं एसबी ट्रेडर को, और एसबी ट्रेडर को जो हमने सेल किया था 993 रुपए का डेबिट बैलेंस है, यानी कि 993 रुपए हमें इनसे लेना है। तो देखिए सिंपल है, आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे और जिस डेट में भी आपने पेमेंट करी है इनको शर्मा एंटरप्राइजेस को, मतलब कि जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आपकी कोई भी पार्टी हो सकती है। अब मैं यहाँ पे शर्मा एंटरप्राइजेस सर्च करता हूँ, और उसके बाद जो है 1260 का टोटल बिल था, लेकिन मैंने इनको 500 रुपए पे किया सिर्फ, और उसके बाद मैंने पहले जो भी इनका बिल है बिल से एडजस्ट कर दिया। और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कैश पेमेंट करी है आपने या बैंक से पेमेंट करी है, और उसके बाद आप एंटर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब अगर मैं देखता हूं शर्मा एंटरप्राइजेस का लेजर, तो मुझे जो है 1250 में से 500 रुपए लेस मुझे देखना चाहिए, यानी कि 700 रुपए समथिंग कुछ होना चाहिए शर्मा जी। अब देखिए शर्मा एंटरप्राइजेस का जो बैलेंस है वो 760 रुपए है। अब अगर आप देखना चाहें कि कैसे 760 रुपए में, तो इसी पे आप एंटर करके डेट डिफाइन करके भी देख सकते हैं। तो देखिए 15 तारीख को हमने इनसे परचेज का बिल लिया 1260 रुपए का, उसके बाद फिर हमने 17 जून को पेमेंट कर दी 500 रुपए की, और अब जो इनका बैलेंस है 760 रुपए का बैलेंस है। अब इसी तरीके से जो है हम रिसिप्ट कर लेते हैं, यानी कि कोई भी आपको पैसा आएगा तो रिसिप्ट की एंट्री करनी है, और कोई भी आपका अगर पैसा जाएगा तो पेमेंट की एंट्री करनी है। तो अभी हम रिसिप्ट कर लेते हैं, और रिसिप्ट करते हैं हम एसबी ट्रेडर से, इनसे हमें 893 रुपए का बैलेंस लेना था, तो हमने एंटर किया। सपोज कि इस पार्टी ने भी जो है 893 रुपए पूरे नहीं दिए, 700 रुपए का बैलेंस दिया इन्होंने, और उसके बाद जो भी इनका बिल इशू हुआ है उससे आपने एडजस्ट कर दिया, एंटर एंटर करके सेव कर दिया। अब अगर हम लेजर में जाते हैं और सर्च करते हैं एसबी ट्रेडर, देखो बाय डिफॉल्ट यहीं पे आ गए क्योंकि लास्ट टाइम हमने सर्च किया हुआ था, तो अब इनका बैलेंस 193 रुपए रह गया। और डिटेल देखनी इनकी तो इस पे आप एंटर एंटर प्रेस करके जो है समझ सकते हैं कि 17 तारीख को आपने बिल इशू किया, 17 तारीख को इन्होंने 700 रुपए दिए, अब जो इनका बैलेंस है वो 193 रुपए का बैलेंस है। और इनको भी जो है आप इनका पीडीएफ सेंड कर सकते हैं, जैसे कभी कभी जो लेजर मांगते हैं पार्टी, तो इनका लेजर भी आप सेंड कर सकते हैं। आई होप कि कंप्लीटली आपको पता लग गया होगा कि कैसे हमें इसमें आइटम्स को क्रिएट करना होता है, लेजर्स को क्रिएट करना होता है, सेल जनरेट करनी है, परचेज को हमें चढ़ानी है, और हमें साथ ही साथ अकाउंट भी मेंटेन करना होता है कि किससे हमें क्या बैलेंस लेना है या किसको हमें क्या बैलेंस देना है। तो कंप्लीटली आप ये सारे काम कर सकते हैं इसमें, कोई डाउट नहीं है।
और जो होलसेलिंग से रिलेटेड फीचर्स होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक रेट कैप्चरिंग का, ऑटोमेटिक जो है स्कीम का, ऑटोमेटिक डिस्काउंट का, ऑटोमेटिक मतलब ऑलमोस्ट जो है, अगर आप इसमें सारे काम वन टाइम करते हैं और वो सारे काम आपके इन फ्यूचर के लिए ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा जानकर कि एफएमसीजी में डिस्ट्रीब्यूशन का काम कैसे करें, होलसेलिंग वाले पर्सन काम कैसे करें। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हमें कमेंट करें और उस कमेंट का हम आपको रिप्लाई और सोल्यूशन देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की जो वीडियोज है आपको मिलते रहे, अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।